एकदम जगह खत्म है उसमें, ये गधे घोड़े देखो, एक आदमी के निकलने की जगह बची है बस, खत्म कर दिया मामला। अरे यार, इसमें आया था मरीन ड्राइव घूमने, लेकिन यहाँ आने के बाद अलग ही चीज पता चल रही है कि मरीन ड्राइव को बना दिया इन्होंने चाट का घर, मतलब चाट का मार्केट बना के रख दिया है। रोड के इस तरफ दोनों साइड में दबा के ठेले लगा दिए, तो आदमी कहाँ चलेगा, कहाँ से इस आनंद का मजा ले पाएगा। चाट खाने के लिए मार्केट भी जा सकता ना आदमी, यहाँ पे इतने सारे चाट के ठेले लगा दिए। अब लगाना है नीचे स्पेस है, लेकिन वहाँ नहीं लगाएंगे। मैं एक दो लोगों से पूछने का ट्राई करता हूँ कि वो लोगों का सोच क्या है, ये सब क्या है। अरे इधर जगह है बट इधर नहीं लगाना है, उनको सबको रोड पे डालना है, ठीक है। पता नहीं, कुछ गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने का ट्राई करे तो उन्होंने उसका कबाड़ा करके रख दिया। अब इसके अंदर भी ना कुछ लगा दो, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अब किसी गवार से मैं अगर सवाल जवाब करूंगा ना, तो वो डेफिनेटली मेरे से लड़ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ किसी समझदार आदमी से पूछने का, ताकि कम से कम मेरे से लड़े नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता। चलिए देखते हैं किससे सवाल करा जाए। मैं ये बात कुछ भाइयों से पूछता हूँ, ये बैठे भाई लोग, एक बात पूछू, ये जो पहले इधर रास्ता जगह ज्यादा थी, अभी लोग ठेले वाले आ गए हैं, तो अभी अपने चलने के लिए जगह नहीं बची है, तो तुमको क्या लगता है कि सही हुआ, गलत हुआ या फिर ये नहीं होना चाहिए था, क्या लगता है? गलत हुआ है ना, पहले अपने चलने के लिए खूब जगह थी, आराम से अपन चलते थे, मजा आता था, ऐसे पानी सा वाइब्स आती थी। अभी साला ये तो चाट का घर बना के छोड़ दिया इन्होंने, नीचे जगह है लेकिन नीचे नहीं जाएंगे ये लोग, बस सीधा आके बैठ जाएंगे। तो ठीक है भाई, थैंक यू, आप लोगों ने जो भी बोला अच्छा बोला, ठीक है। समझदार है बट वो अपना काम भी चला रहा है और किसी को परेशान भी नहीं कर रहा। और ये बड़े बड़े ऐसा नहीं है सबके सब बेवकूफ़ हैं, ये देखो एक आदमी समझदार निकला जिसने अपना नीचे डाला, उससे अवेला भी नीचे डाला है। बट सोचना चाहिए ना यार थोड़ा तो, कि हाँ अपना व्यू भी बना रहे हैं अपना, पता नहीं। गंगा का सर भी कमाल है, अब 10 दिन पहले ये हालत था कि यहाँ तक पानी था पूरा, ये यहाँ तक मतलब पूरा मरीन ड्राइव का वाइब्स था। अभी गंगा माँ शायद नाराज हो गई है और पानी का लेवल कम हो गया, वहाँ तक पानी चला गया, जनरली वहीं तक पानी रहता है जहाँ तक चला गया। आई थिंक बारिश का असर है, कम बारिश का या फिर डोंट नो ये सब कैसे होता है, बट अभी पानी थोड़ा कम होने की वजह से वो वाली वाइब्स थोड़ी बची नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे वाइब्स तो है। स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठेले थे, अभी ऐसा थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा। लाइक अभी ऐसा माहौल हो तो तो कुछ मज़ा आता चलने वलने का, घूमने उबने का। उधर तो ये पता ही नहीं लग रहा था कि भाई ये क्या है, इट वाज लाइक मैं फूड मार्केट में आ गया हूँ और मैं घूम रहा हूँ। वाओ, इधर हालात बहुत अच्छा है, और मेन ड्राइव जैसे ही रात होती है शाम डलने के बाद में तो बहुत प्यारा हो जाता है, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है और ये व्यू भी बहुत अच्छा है। और उधर हालात अच्छे थे और अभी इस तरफ हालात देखिए, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग समझदार भी हैं जो इसके ऊपर नहीं हैं, वो उधर से नीचे भी हैं और इधर देखो जो बेचारे गरीब हैं जो समझदार हैं, वो लोग अपना रोजी रोटी चला भी रहे हैं और किसी को परेशान भी नहीं कर रहे हैं। और ये लोग जिनके पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल हैं, वो बीच रोड के ऊपर टिका दिए हैं। जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे इस साइड में आपको यही दिखाई देगा, ये स्टॉल धीरे 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 करते रोड पे आती चली जाएगी। पता नहीं ये लोग कब्जा करने के मूड से हैं या फिर क्या सीन है, समझ में नहीं आता। चलो एक आइसक्रीम वाले भाई से पूछते हैं कि भाई यहाँ क्यों चढ़ा रखा है। भैया ये आप इसको थोड़ा पीछे नहीं ले जा सकते हैं, रस्ते में क्यों ला रखा है? ये है जो आपका, यहाँ रस्ते में लाना जरूरी है क्या? वहाँ भी तो ले जा सकते हो, ये आने जाने के लिए घूमने के लिए बनाया गया है, आपके यहाँ पे लगाने के लिए नहीं बनाया है। चलो आप सेल करो, अपनी कमाई करो, लेकिन थोड़ा हमारे लिए भी जगह छोड़ो यार, उधर जगह है इधर जगह है, बीच में टिकाना जरूरी है क्या? चलो एक समझदार आदमी जिसने बात सुनी समझी और ये पीछे कर रहा है, इसने सुनी इस चीज़ को लेके कि ये सब हो रहा है। अब किस किस को बोलेंगे, चलो इसके पास स्पेस ही इतना है, बट अब देख लो हालात, ये पहले कितना अच्छा दिख रहा था, अब देखो आगे यूँ धीरे 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 बस दो आदमी के निकलने की जगह बच जाएगी,
बैक टू बैक थड़िया। मैं यार ऐसे भी नहीं कह रहा कि ना ये लोग यहाँ क्यों आ गए, ये नहीं आने चाहिए थे, बट गरीब आदमी है या मतलब जो भी जिस भी तरह के लोग हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो गरीब है या वो अमीर है, जैसा भी है। बट यार इस तरह से आप मैनेज करो ना कि ना आम जनता जो फन के लिए आती है ना वो भी चलता रहे। अब ये देखो टेढ़ा मेढ़ा करके रोड के ऊपर चढ़ा दिया अपनी को स्टॉल को ये करने के लिए। ये भी चढ़ गया, ये भी चढ़ गया, ज़बरदस्ती यहाँ पे आगे आए जा रहे हैं। पीछे भी जा सकते हैं, पीछे स्पेस है। बट भैया ये आप इसको थोड़ा पीछे नहीं लगा सकते? तो ये रोड पे क्यों चढ़ा रहे हो? हमारे घूमने की जगह उसको क्यों कवर कर रहे हो? यार दया करो यार, सरकार ने अच्छी चीज़ बनाई है, क्यों कर रहे हो ऐसा? सब लोग चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, आगे जाके देखो जगह ही नहीं है। आया था चिल करने, चलो चिल भी किया, बट ये प्रॉब्लम देख के थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब हुआ। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म। आज मैंने फेस कम से कम दिखाया, जनरली मैं मेरे फेस के साथ में ये करता हूँ, बट अब बताओ मुझे खुद को धक्के पड़ रहा है, ये सब बाल है। इधर देखो जगह ही नहीं मिलता। अगले ब्लॉग में तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको ये मुद्दा मेरा जो मैंने बोला वो सही लगता है तो ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। जिसको भी आपको लगता है कि समझदार आदमी है या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैं टैग करने का ट्राई करूँगा, लेकिन आप भी टैग करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।